नमस्कार दोस्तों, ओल्डेस्ट प्रोडक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सीताराम। दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं बैटरी की, यानी हमारे पास जो सैटेलाइट फाइंडर होता है उसमें बैटरी 800 एमएएच से लेकर 2500 एमएएच तक का बैटरी आता है। और हम जब डिश का सिग्नल सेट करने कई गाँव में कहीं सिटी में जाते हैं तो कई बार क्या होता है, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारा जो सैटेलाइट फाइंडर है डिस्चार्ज हो जाता है और वहाँ हमें लाइट भी नहीं मिल पाती है। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, गाँव में अक्सर ऐसा ही होता है। मैं आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल बैटरी लेके आऊँ जिससे दोस्तों आप सैटेलाइट फाइंडर के साथ साथ अगर आपका मोबाइल भी डिस्चार्ज हो जाता है तो आप मोबाइल भी उससे चार्ज कर सकते हो, यानी आपका एक साथ दो काम करेगा। एक तो आपका सैटेलाइट फाइंडर में बैटरी बैकअप ज़्यादा हो जाएगा और एक आप पावर बैंक बना सकते हो मोबाइल को। तो चलिए बैटरी की अनबॉक्सिंग करते हैं। आपको कुछ डाउट है, कुछ सवाल है तो दोस्तों मुझे कमेंट करना कि बैटरी कैसा रहेगा। तो चलिए यहाँ दोस्तों एक ही फोटोन कंपनी का जो बैटरी है वो मैं आपके पास लेके आया हूँ। इस बैटरी को दोस्तों अक्सर लोग जो शूटिंग करते हैं, कैमरे होते हैं, उनकी एलईडी लाइट में से यूज किया जाता है। मार्केट में आपको ये ऑफलाइन ऑनलाइन आराम से आसानी से मिल पाती है। अगर नहीं मिल पाए तो मुझे व्हाट्सएप पे कर देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो दोस्तों इस तरह का ये बैटरी है, अच्छा पैकिंग में है। और यहाँ बैटरी की क्वालिटी की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ ये देखिए, इस पे एक ऑन ऑफ का स्विच होता है जिससे अगर आप इसे दबाओगे तो इस बैटरी के बारे में ये यहाँ है कि 25% चार्ज है या 50% है या 75% या 100% है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ इंडिकेटर शो में दिख जाएगी। पीछे की बात करते हैं, एमएएच की बात करते हैं, तो यहाँ इसका जो मॉडल नंबर है NPF770 है और वोल्टेज 7.2 वोल्ट निकलते हैं, 17,900 एमएएच का ये बैटरी है। यानी दोस्तों इस बैटरी से आपका जो सैटेलाइट फाइंडर है फुल काम करेगा। यहाँ इसमें दो ऑप्शन होते हैं कि आपका जो सैटेलाइट फाइंडर होता है 17,900 एमएएच की बैटरी को कैसे करें। तो यहाँ दोस्तों ऊपर की बात करते हैं तो 7.2 वोल्ट यहाँ निकलते हैं और आपका जो सैटेलाइट फाइंडर होता है 7.4 वोल्ट तक आपका सपोर्ट करेगा। तो अगर यहाँ से आप प्लस माइनस का ध्यान रखें, डायरेक्ट कुछ जैक बना के यहाँ से लगाओगे आपके सैटेलाइट फाइंडर में तो 7.2 वोल्ट आपको सैटेलाइट फाइंडर को प्रॉपर मिलेंगे। अब ये होगा कि हम इसमें मोबाइल चार्जिंग कैसे करें। दोस्तों इसमें दो पोर्ट होते हैं, एक यूएसबी पोर्ट होता है, एक वी टाइप पोर्ट होता है। यूएसबी पोर्ट में दोस्तों आप इमरजेंसी में, जैसे आपके पास कोई इमरजेंसी है और आप मोबाइल चार्जिंग करना चाहते हो तो यहाँ आपको 3.5 वोल्ट निकलेंगे, तो यहाँ आप मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं यूएसबी केबल लगा के। अब सवाल ये होगा कि इस बैटरी को हम कैसे चार्ज करें। आपके पास जो मोबाइल एडाप्टर होता है, मोबाइल चार्जर होता है, उससे दोस्तों ये बैटरी चार्ज होगी। यहाँ आप चार्जिंग के लिए वी टाइप पोर्ट को यूज करोगे। ये देखिए वी टाइप पोर्ट है, यहाँ आपका मोबाइल के चार्जर से बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो इस बैटरी का दोस्तों पावर देखें, दम देखें तो दोस्तों बहुत ही अच्छी है, लिथियम आयन बैटरी है और इसका जो बैकअप है बहुत ही अच्छा। इस बैटरी से दोस्तों मैंने सेट टॉप बॉक्स तक चलाया है कि हम इस बैटरी से सेट टॉप बॉक्स तक चला सकते हैं। अगर आपको भी दोस्तों ऐसा वीडियो चाहिए सेट टॉप बॉक्स चलाने का तो मुझे कमेंट करना। इसी बैटरी से दोस्तों हमारा जो सैटेलाइट फाइंडर होता है मैं खुद यूज करता हूँ और कभी इमरजेंसी मोबाइल चार्जिंग करना हो तो मैं इस बैटरी से कर लेता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास ये बैटरी थी और इसकी जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, इसलिए दोस्तों मैंने वीडियो बना दिया। अगर आप भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम में हो या आपके बीच जो सैटेलाइट फाइंडर में अगर बैटरी बैकअप से परेशान होते हो तो आप ऐसे बैटरी यूज कर लो, आपको सैटेलाइट फाइंडर बहुत अच्छी काम देगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करो, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट की जानकारी आपको मिले। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ पूछना है, कुछ आपके सवाल हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा।